डेढ़ साल से ये टोटली होम फीड पे है, रोटी चावल एंड चिकन, दैट्स ऑल। मेरे को ये महीने का 3,000 रुपये का खाना खाता है बस। नहीं, चैलेंज तो है सर, अगर आप 100 स्पेसिमेन रख रहे हैं तो उसके लिए आप चैलेंज तो है, क्योंकि ग्रेडेन है, अगर 2 दिन बीच के कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो हवा निकल जाएगी। अच्छा, चिकन भी जो है हम लोग लेते हैं, कारकस लेते हैं, एंड दैट कॉस्ट मी 70 रुपीज़ पर के जी। उसको उबाला और दे दी लोग बताते हैं कि इसको फीड ये देना चाहिए, ये देता हूँ, ये ब्रांड देता हूँ। पहले से अपना 1.5 साल से एक डॉग फूड का दाना नहीं खाया उसने। और कंडीशन आपके सामने, देखो आपके सामने, मतलब यही है, मतलब इसकी डाइट का जो इसका मेंटेनेंस सब कुछ है, एंटायर क्रेडिट वो इनके पास। ये तो 3,000 का तभी खर्चा बस, है। बस 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 बस। अगर 3,000 का खर्चा चाहिए तो ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए। हाँ, नहीं तो बढ़ सकती है। एग्जैक्टली, नहीं तो वो 30,000 भी बन सकता है। ये इसके पप्पी सेल करने नहीं आए भैया, ये हमारा प्यार है सीरियसली। लास्ट टाइम भी आप मिले थे तब भी हमने कोई पप्पी सेल नहीं करा। बिल्कुल, ये बात सच, मार्केट लगी हुई है, हमें जरूरत नहीं है। और बंटी सर, हाँ मेरी जान, ये भी इस टीम के मेंबर है, गाइस छूट गए थे, हमने इन्हें जाते जाते पकड़े। और इनका मेन काम बहुत, नहीं भैया बहुत अच्छे हैं भैया, डॉग से लव करते हैं, लव करते हैं ये हमें। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। वाओ गाइस, लुक इट, मैं आपको सभी एंकल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार सर। सर नमस्कार, पहले बताइए जी किस कैनल की आन बान और शान है? ये वीरेन कैनल से है, जो कि मेरठ से है, मिस्टर विद्या रतन, और जो उसके ओनर है मिस्टर योगेश यादव, जो फरीदाबाद से है। मैं अगर सीधा ही आपसे सवाल पूछता हूँ, ग्रेडन लेना क्यों चाहिए, इस ब्रीड में क्या आपकी तरफ से प्लस पॉइंट आपने ढूंढे? पहले जो, जी जी बोलिए सर। पहले तो हमको ग्रेडन क्यों लेना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइकिंग है, किसी को ग्रेडेन पसंद है, किसी को जर्मन शेफर्ड पसंद है, जो ब्रीड उसको पसंद है वो उसी को पसंद करेगा सर, वो ही लेगा। आजकल के जो समय या घर हमारा जो माहौल है, लाइफस्टाइल है, उसमें कितना फिट बैठता है? नहीं, ग्रेडेन को स्पेस तो चाहिए सर, बड़ा डॉग है तो स्पेस चाहिए, और स्किन के इशू ये तो मेनटेन करना ही होता है। अगर आप शो के लिए लेके जाएंगे तो हेल्थ के लिए भी, स्किन के लिए भी आपको मेनटेन करना ही होगा। 2 टाइम एक नॉर्मल वॉक से बात बन सकती है? ज़रूर बन सकती है, अगर आप उसको तरीके से देंगे। ओके, और जो आपने स्किन के बारे में थोड़ी बहुत ही कहा, वो ज़्यादातर गर्मियों में दिक्कत आती है या फिर सर्दियों में? स्किन की इशू तो सर, अगर आप उसको एक्सेस कोई चीज़ देंगे, सप्लीमेंट कोई भी चीज़ देंगे, तो स्किन के लिए वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, आपकी रेयरिंग में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि थोड़ा गर्मी में इसको एसी में तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा। आपने शो के लिए लेके जाए थे, थोड़ा बैट सोल का आपका ये पैचेस ना है, उसके लिए आपको सॉफ्ट सरफेस देना होगा। ओके, ये थोड़े बहुत चैलेंज, इतना ज़्यादा बड़ा कोई चैलेंज नहीं है ये तो। जी जी नहीं, चैलेंज तो है सर, अगर आप 100 स्पेसिमेन रख रहे हैं तो उसके लिए आप चैलेंज तो है ही, क्योंकि ग्रेडेन है, अगर 2 दिन बीच के कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो हवा निकल जाएगी। अच्छा, एक इसका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जा सकता है, हमारे ग्रेडेन का कितना? मैक्सिमम बॉडी वेट 70 kg तक जा सकता है, 70-80 भी जा सकता है, मगर 70 से ऊपर जाएगा तो वो उसके बोन स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगा सर। इतनी बड़ी ब्रीड को फीड पर रखना कंपलसरी जरूरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी भी डॉग को फीड पर रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद फीड पर नहीं है। अच्छा जी, फीड पर नहीं है, होम मेड। ये डॉग पिछले 1.5 साल से, 1.5 साल से ये टोटली होम फीड पर है, रोटी चावल एंड चिकन, दैट्स ऑल। मेरे को ये महीने का 3,000 रुपये का खाना खाता है बस।
और वो बस खिलाने का तरीका है। खिलाने का तरीका है कि आप डॉग को कैसे खिला रहे हो, कितना दे रहे हो, उसका एपेटाइट भी लूज ना हो, उसका एपेटाइट बना भी रहे उसका, तो ये चीज़ देखनी है। गाइस 3,000 रुपये में ये इतना बड़ा डॉग और मंथली खर्चा, और सिर्फ गजर ने कहा कि चावल चिकन एंड चौपाती, बिल्कुल रोटी, दैट्स ऑल। सर जैसे कि बताया ना आप कैसे मेंटेन करते हो, आप कोई भी चीज़ एक्सेस हम ही खुद खाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमें नुकसान देगी। लोग बताते हैं कि इसको फीड ये देना चाहिए, ये देता हूँ, ये ब्रांड देता हूँ। पहले से अपना 1.5 साल से एक डॉग फूड का दाना नहीं खाया उसने, और कंडीशन आपके सामने, देखो आपके सामने है। सर आपके पास स्टड सर्विस या पप्स अवेलेबल है? पप्स अवेलेबल, स्टड सर्विस अवेलेबल, स्टड सर्विस। तो सर यही नहीं, भैया के पास पिछले 4 साल 4 बार से जो डॉग है हम रेगुलर कर रहे हैं, तो जो पहला डॉग है वो भी ग्रेडियन था, वो भी 4 साल हमारे साथ रहा, उसके बाद भैया ने वो फिलीपींस एक्सपोर्ट कर दिया। या इन्होंने लास्ट वीडियो में बताया था शायद, मेंशन किया, राइट, ओके। तो आपको भी याद आ गया जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा कंडीशन, ठीक है, तो वो भी सब होममेड डाइट और मेंटेन डाइट। एक बार सर प्लीज कैनल की दोबारा लोकेशन एंड कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि व्यूवर्स हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे कि फीड से ही पप लेना आसान होता है, जो फीड और सप्लीमेंट का खर्चा है वो पिच करता है, लेकिन आपके पास है जी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या हो या किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? सारी दुनिया बेवकूफ़ बनाती है, कुत्ते को घर पे पालो, अच्छे से पालो, प्यार मोहब्बत दोस्त को, रोटी चावल और चिकन दो, और चिकन भी जो है हम लोग लेते हैं कारकस लेते हैं, एंड देट कॉस्ट मी 70 रुपीज़ पर के जी, उसको उबाला और दे दिया। गाइस ये देखो रेसिपी, रोटी और 2 सालों से ये उसी पर है, और उसी के ऊपर सर 2 सालों से नहीं, पिछले 8 सालों से 4 डॉग उसी पर है, सारे डॉग्स मेरे उसी पे ही हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपकी वीडियो देखी थी, वो बेड आपके साथ शेयर कर रहा था, सोया हुआ था, ये वाला था या कौन था? यही था, यही था, लास्ट टाइम यही था। सर प्लीज एक बार कैनल का नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। सर ये ब्रीड बाय वीडेन कैनल, ओनर बाय मिस्टर योगेश यादव। योगेश यादव सर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। 9997119999। गाइस ग्रेडन कहीं से भी ले सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है या जो क्वालिटी इनके पास है विदाउट फीड और ये, और वो भी रेगुलर जीतना चैंपियन, ये सीक्रेट है भाई, इनसे ज़रूर बात कीजिए और इनके साथ जुड़िए। हाँ जैसे कि हमारे अचीवमेंट्स हैं लास्ट 6 ईयर से, एट ईयर्स रेगुलर, ये फोर्थ डॉग है, फोर्थ डॉग है हाँ, जो हमारा एक रेगुलर चैंपियंस बन रहे हैं, और जिसके अंदर हमारे पास एक अपना ब्लैक डॉग था, उसको हमने शो करा 2015 से लेके 2017 तक, और वो हमारा डॉग बना था अपना बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ईयर 2017, और वो था ब्रेड इन इंडिया, जिसको अवार्ड हमें बेंगलोर में दिया गया FCI शो में, FCI शो उधर हुआ था इंटरनेशनल शो, उसी में तो उसकी जो ट्रॉफी हमको वहाँ मिली थी। हमारी तरफ से बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बाहर से जैसे करने कहा कि इम्पोर्ट डॉग कराकर चैंपियन बना, लेकिन इंडिया में बनाना, तो ये वो टीम है, ये पूरी टीम है इनकी, ये नॉट एक पर्सन का काम नहीं है। स्पेशली सर इनको इंट्रोड्यूस कीजिए। ये है मेरा बहादुर, इसका नाम चंदर है, और यही डॉग की टेक केयर करता है और सब कुछ करता है, मतलब मतलब इसकी डाइट का जो इसका मेंटेनेंस सब कुछ है, एंटायर क्रेडिट इनके पास, ये तो 3,000 का तभी खर्चा बस, है। बस, 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 अगर बस, 3,000 का खर्चा चाहिए तो ये बंदा चाहिए हाँ, नहीं तो हाँ, बढ़ सकती है हाँ, exactly. तो वो 30,000 भी बन सकता है, उसको क्या फीड देना डिसाइड मैं करता हूँ, रूटीन को फॉलो ये करता हूँ, लव करते हैं पूरा प्यार भाई, सामान तो ला देते हैं पर जो खिलाना है वो एक ढंग है, वो एक ढंग, वो इनके पास, इनके पास ये चीज ये टीम ने बनाकर खड़ी कर दी गाइस आपके सामने, तो इसे मिलते हैं इतना लंबा वर्क, और ये एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू।